अबे थोड़ा तो आगे बढ़ो यार, ये भाई गोल्डन चिट्टी यार, भाई दिखाऊं क्या है मेरे आंखों के सामने। गाइस या वेलकम बैक हो गया सभी लोग क्रांच बिश व्लॉग्स के एकदम ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। और आज हम लोग जाने वाले हैं मुंबई। बहुत ज्यादा एक्टिव होना रहा है। अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, सब कुछ कोल्ड स्टार्ट रेडी है। और ये देख रहे हैं इनका कपोड़ियों को क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों, बताना तो मेरे को। पहला मम्मी पहला दी, ठीक है गाड़ी रेडी है। फिर दिक्कत ये है कि 10 बजे का हमारी फ्लाइट है और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, तो फटाफट से चलते हैं, जल्दी निकलते हैं दिल्ली के लिए। फिर वहाँ से 10 बजे की फ्लाइट है तो 9 बजे तक का एटलीस्ट लाइक बोर्डिंग स्टार्ट हो जाए। मैं बहुत ही खतरनाक होने वाला, मतलब हम लोग जहाँ तक है, जब तक हम लोग दिल्ली पहुँचेंगे करेक्ट एयरपोर्ट पे, तभी हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है। भाई की फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप लग रही है, तो वो भी तुम लोगों को पता चल जाएगा अंशुवर्स की एक बहुत क्रेजी वीडियो के लिए। सो जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर देना, जो भी नया जल्दी सब्सक्राइब कर दो। बाकी चलते हैं, ये तो हो ही गया अपनी कोल्ड स्टार्ट ओल्ड स्टार्ट, अब चलते हैं फटाफट से। और भाई यहाँ सुबह सुबह पार्टी हो गई, ठीक है चिप्पी खा रही है, यहाँ पे ये खा रहा है, वहाँ पे वो खा रही है, और यहाँ पे ये लगा पड़ा है। देखो आवाज़ सुनोगे ना, कुर्रम कर्रम लगे पड़े। बाय बाय दीदी, बाय 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 बाय। चलो भाई ओम नमः शिवाय, अब चलते हैं सीधा दिल्ली। मैं एक फनी चीज बताता हूँ, तो हम लोगों ने बिजनेस करी हुई है ना थोड़ा सा मजे करने के लिए। भाई बिजनेस क्लास में भीड़ है और इकोनॉमी क्लास पूरी खाली है। वेरी फनी भाई, मतलब क्या किस्मत है भाई, हमको हमारे सब्सक्राइबर भी मिल गए। भाई मैं कह रहा हूँ जल्दी करवा दो यार थोड़ा। तो गाइस अभी मैं बैठा हुआ हूँ एयरपोर्ट के लाउंज में, और तुम्हें यकीन नहीं होगा मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे को क्या बताया। भाई हमारे जिस फ्लाइट में हम लोग जा रहे हैं उसी फ्लाइट में विराट कोहली सर विद फैमिली जा रहे हैं, तुमसे पता है, अनुष्का मैम उनके बच्चे और बहुत सारे लोग, सारे के सारे आई थिंक वो अबू धाबी में F1 देखने जा रहे हैं। बट मैंने तुम लोगों को ये बताने के लिए यहाँ पर नहीं रोका है। एक्चुअल में दुबई में देखो सिंपल सी बात है, दो लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा बोली जाती है, एक तो अरेबिक होगी जो कि पूरे UAE में चलती है, और उसके बाद इंग्लिश जो कि यूनिवर्सल होगी। हिंदी लोग बोलते हैं बट बहुत ज्यादा कम बोलते हैं, तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कम्युनिकेशन में, इसीलिए तुम्हारे भाई ने पहले से तैयारी करके रखी हुई थी। मैं यूज करता पिछले कुछ टाइम से Duolingo ऐप को, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, जहां पर आप लोग 40 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस सीख सकते हो। और एक तरीके से नहीं, कहने का मतलब है कि एक होता है कि आपको खाली लिखना आता है बोलना आता है, नहीं Duolingo आपको तीनों चीजों में परफेक्ट बनाता है, जो कि है लिसनिंग रीडिंग और राइटिंग, मतलब कि बोलना लिखना और सुनना, ये तीनों चीजें आपके एकदम मस्त बनाता है Duolingo। और वो भी सबसे बढ़िया बात है कि इंटरेस्टिंग तरीके से बनाता है, मतलब गेम के तरीके से, ताकि आप बोर ना हो। और दिन का आप सिर्फ 10 मिनट देके यहां पे कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो, 40 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस है, फिर चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो आपको सीखना है वो आप लोग यहाँ पे सीख सकते हो। अब देखो मैंने बोल तो बहुत कुछ दिया कि ऐसे होता है ऐसे होता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ Duolingo को यूज कैसे करते हैं। हम लोग करने वाले हैं सेक्शन 1 यूनिट 1, ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेट्स गो। वाटर, अब वाटर क्या होता है, पानी, राइट बिल्कुल सही। उसके बाद आगे को बढ़ते हैं, जारी रखे, टी, टी मतलब टी चाय, राइट यस सर। हम लोगों को अब देखो इनको आपस में जोड़ना है, घर हाउस, तुम्हारा योर, पानी वाटर, गाड़ी कार है इस, देयर वी गो गाइस, हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया ये पूरा का पूरा पार्ट। तुम लोग भी जाओ, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके Duolingo को डाउनलोड करो अभी के अभी, और नई नई लैंग्वेजेस सीखो। भाई ये तुम लोगों को बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगी, तो जाओ नई नई लैंग्वेजेस सीखो ऑन Duolingo ऐप। भाई हम लोग फाइनली दुबई लैंड कर चुके हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ को। और मैं जो चीज देख रहा हूँ ना, ये देखो भाई ऐसे ही है भाई, निशान ये सब। और भाई हम लोग अभी हाईलैंडर में जा रहे हैं, तुम समझ रहे हो, मतलब भाई दुबई में लिटरली हाईलैंडर, तुम समझ रहे हो ना कि दो फॉर्चुनर बराबर टाइप, तो वो मस्त करके टैक्सी में चल रही है भाई। गाइस दुबई आके सबसे पहली चीज तो मैंने यही देखी कि यहाँ पे गाड़ी सारी की सारी लेफ्ट हैंड ड्राइव है, और मतलब वही जैसे चलता है ना कि सारे राइट में चला रहे हैं और लेफ्ट में मतलब वापस आ रहे हैं, मतलब जैसे हमारे वहाँ तो लेफ्ट में चलाते हैं, यहाँ पे उसका उल्टा चल रहा है अभी। और हमारे राइट साइड में भी देखो, वो दिख रहा है तुम्हें भाई, वो रहा बुर्ज खलीफा, देखो कितना तो बड़ा लग रहा है बाकी बिल्डिंग से।
भाई ये लो कॉर्वेट देख लो दोस्तों, और वो भी कौन से ईयर का मॉडल है। ओ भाई साहब तो कूल लग रही भाई वो। तो गाइस अभी भी हम लोग होटल पे पहुंचे हुए हैं और भाई होटल तो बहुत खतरनाक है, बट भाई साहब मैं तुम्हें दिखाऊं तुम देखना चाहते हो भाई होटल के जस्ट बाहर देखो भाई तुम देख रहे हो मतलब लैम्बो जी वैगन भाई, पीछे एक और वो है क्या कहते हैं उसे उरुस खड़ी है, इधर भी एक उरुस खड़ी है, उसके पीछे भी एक उरुस खड़ी है भाई। दुबई भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है यार, मतलब कुछ है ही नहीं भाई, एकदम ही हल्के में चल रहा है सब कुछ भाई। एक हुरकान इवो तो मैं भी डिजर्व करता हूँ, हुरकान इवो स्पाइडर भाई। ये क्या मस्टैंग कन्वर्टेबल है भाई। अभी हम लोग होटल पे आए, मैंने सच्ची बता रहा हूँ मेरे को ना पहली बार हो कि 34th फ्लोर पे हम लोगों को होटल मिला है, अभी ऊपर जाके भी देखेंगे। चलो यही है, यही आ जाओ दोस्तों, यहीं से जाना है हम लोगों ने। भाई पहली बार देखा मैंने 34th फ्लोर भी होता है करके, बहुत ज्यादा क्रेजी भाई। 34103 ये रहा हम लोगों का रूम। चलो गाइस पहली बार मैं तुम लोगों को इन टाइम दिखाने वाला हूँ, ठीक है। हियर वी गो, वेलकम टू दुबई हबीबी। ओ लगेज भाई हमसे पहले आ गया। ये रहा वॉशरूम। अरे भाई साहब नो वे भाई, यहाँ बैठो और ये देखो भाई, ये मजा आ गया ना भाई ये देखो भाई यहाँ पे सो, और ये व्यू देखो तुम यार। ला ला ली ला लो भाई, जा सकते बाहर लेके जाएंगे यार, इसको कोई मतलब भाई अनलॉक पूरा ऊपर को। ये शीश देयर वी गो भाई, फील है भाई साहब कितना मस्त लग रहा है ये। आई लव दुबई भाई, ये इनका अलग चलता है प्यार दुबई से भाई। अरे देखो कितना नीचे है, गलती से फोन ना गिर जाए हाथ से, बट कितना कूल है यार भाई। वो देखो आप, वो जो बना हुआ है कार का बैठने का, दिख रहा है कहाँ कार के आगे का बोनेट लगा रखा है। ओ कहाँ पे भाई? नहीं नहीं भाई आराम से भाई, मेरे को नहीं पता, तुम लोगों को पता है नहीं, मेरे को हाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा। ये यहाँ पे ऐसे चढ़ो नहीं दिख रहा है। अबे थोड़ा तो आगे बढ़ो यार, ये भाई तुम्हारा दिमाग खराब है, 34th फ्लोर है, उड़ के गिरो। पैर आगे बढ़ाओ, दूसरा वही आगे बढ़ाए जा रहे हो आप, ये और आगे दिखा, रेड कलर का बोनेट है। दिखा गाइस मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, वो देखो भाई आराम से भाई। और ये है देखो मेन दुबई, आगे दिख रहा है ये देखो भाई, ये पूरा का पूरा मेन दुबई है, इसमें भी जाएंगे हम लोग गारंटीड। वहाँ कुछ जॉइंट व्हील भी है देखो, सोचो इतनी बड़ी बिल्डिंग के बीच में जॉइंट व्हील दिख रहा है, तो कितना बड़ा होगा वो व्हील भाई। मैं तुम लोगों को सच्ची बताऊंगा, मैं पिछले 3 दिन से भाई सोया ही नहीं हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट्स में सोया हूँ 2 घंटे, उससे ज़्यादा मैं सोया ही नहीं हूँ, सिर्फ काम, इधर जाना। अभी भी दुबई आए हुए, फ़्लाइट ली थी, फ़्लाइट में थोड़ी देर के लिए सो गया था मैं भाई, उसके बाद भी अभी हम लोगों को जाना है भाई। बहुत भाई तुम लोगों के लिए जो चीज़ लेके आ रहा हूँ मैं, तुम्हारे दिमाग जो है ना वो उड़ जाएगा, आई थिंक वो आ चुका होगा, उसके बाद ही व्लॉग आ रहा होगा, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है यार, मतलब हालत टाइट हो रही है। अब मैं भगवान से दुआ करता हूँ, प्लीज़ भगवान तुम लोगों ने यार उस पर बहुत सारा प्यार दिखाया उस वीडियो पर, और बहुत अच्छी चल रही होगी, मुझे पता नहीं है अभी तो, अभी जो व्लॉग कर रहा हूँ वही वीडियो बनाते हुए, तो मेरे को कंफर्म नहीं पता वो कैसी चल रही होगी, बट आई जस्ट होप अच्छी चल रही हो। और अगर अभी तक का नहीं देखी है तो चले जाना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। बाकी चलो निकलते हैं फटाफट से, थोड़े बहुत कपड़े लेने हैं, थोड़ा और भी काम है वीडियो का, तो चलो चलते हैं, निकलते हैं फटाफट से। बस मेरे को एक 8 घंटे की नींद चाहिए यार, 8 नहीं 6 घंटे की भी मिल जाए ना, बस मिल जाए यार। 2-1.5 घंटे से सो रहा हूँ मैं, जहाँ से ज़्यादा पिछले 3 दिन से, पता है। गाइस यार तुम्हारा भाई हो चुका है रेडी, हम लोग निकल रहे हैं अभी मॉल ऑफ दुबई के लिए, जो कि डाउनटाउन दुबई में, बट अभी के लिए निकलते हैं फटाफट, मैंने कैब बुला दिया और वो आ चुके हैं नीचे, तो चलते हैं फटाफट। भाई मैं मजाक नहीं हो रहा, मेरे को अभी यकीन नहीं हो रहा मैं दुबई में बैठा हूँ, पता तुम्हें इतनी ऐसे बनाया ना ये प्लान बिल्कुल एकदम, मेरे को सच में यकीन नहीं हो रहा, ये देख रहे हो तुम भाई साहब। चलो अब जाओ, भैया को वेट नहीं कराते, निकलते हैं फटाफट। भाई मैं मजाक नहीं करूंगा, कुछ हो ना हो भाई ये सब देख के ना यार, ऐसे चेहरे पे एक स्माइल आ जा रही है, मेरी आवाज़ बैठ गई है, मेरी तबीयत खराब हो रही है थोड़ी सी, बट भाई जो
क्या बोलूं यार भाई, हर जगह पे इतनी प्यारी प्यारी गाड़ियां दिख रही है ना, मजा आ रहा है भाई। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं डाउन टाउन दुबई। भाई क्या लग रहा है यार ये। ओके वो ऊपर स्लाइड है उसमें, अरे हाँ जा रहा है कोई, जा रहा है वो भाई। ये क्या मजेदार चीज है भाई, पहले तो ये बिल्डिंग है उसके ऊपर शिप है और उसके ऊपर स्लाइड जा रही है भाई, लोग स्लाइड कर रहे हैं उसमें। ओ भाई साहब, भाई ये फोटो वीडियो में ही बड़ा नहीं लगता भाई, बुर्ज खलीफा सही में बहुत बड़ा है, इसका टॉप नहीं दिख रहा है। व्हाट, ये देख रहा हूँ ये बिल्डिंग्स बहुत टॉल है भाई, बहुत टॉल, और ये फिर बुर्ज खलीफा है। ये इधर से ये वो देखो भाई, यहाँ से ये पूरा, भाई साहब अगर मेरा फोन फोकस कर ले तो अच्छे से दिखे भाई। गाइस अभी मैं मॉल पे पहुंच चुका, अंदर जाके शॉपिंग करेंगे, बट भाई यार मैं मजाक नहीं, मेरे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा यार ये सब, क्या कूल लग रहा है सब कुछ ब्रो, मेरे से सच्ची में पता ऐसा हो रहा है, एक तो गला बैठ गया है मेरा, ऊपर से ये सब देख के भाई सामने देखो, ये देखो नॉर्मली भाई सारी गाड़ियां ऐसे नॉर्मली पार्क करके छोड़ रखी है ना भाई, अलग ही चल रहा है यहाँ। वाओ भाई यार ये क्या यार, मैं जितना देखते जा रहा हूँ मेरे को उतना ही और प्यारा लगते जा रहा है, क्या क्रेजी प्लेस है भाई। मैं पूरे टाइम सोचता रहा लाइक दुबई में ऐसा क्या है, दुबई में ऐसा क्या है भाई, एवरीथिंग इज लाइक जाइगेंटिक, बहुत बड़ा सब कुछ भाई। जी जी यार भाई, टैक्सी देख लो भाई कितनी कूल है। बाकी मैं खो चुका हूँ इसके अंदर, गोल गोल घूमते घूमते मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है भाई इधर, तुम समझ रहे हो, नॉर्मल ब्रांड्स तो है ही नहीं पहली बात तो भाई, अब लग रहा है कुछ तगड़ा ही लेना पड़ेगा आज। ओ ये कितना कूल है, मॉल के बीच में एक्वेरियम, वो देखो शार्क, शार्क की चीज़ है भाई, शार्क की शार्क, कितनी सारी चीज़ें इसमें देखो, वाओ भाई साहब। भाई डरावना तो भाई, भाई मेरे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों ने कैसे भाई पूरा का पूरा एक्वेरियम बना रखा है भाई मॉल के बीच में यार, भाई साहब सब लोग यही देखने में देर से, बट ये क्या क्रेजी चीज है यार, मतलब मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा यार। और शार्क्स हैं इसके अंदर, वो देखो देखो कैसे चल रही है भाई, ये कितना कूल लग रहा है 3D जैसा, ऐसा लग रहा है अंदर पटाखे वटाखे बज रहे, नहीं मस्त यार, यार बहुत कूल कूल 3D से इफेक्ट बना रखे हैं इन लोगों ने भाई साहब। भाई अलग ही यार दुबई, हम लोग जस्ट बाहर आए और ये देख रहे तुम लोग भाई, नॉर्मल एकदम यार चिल होके कैसी गाड़ियां खड़ी हैं यार, भाई क्या हो रहा है ये भाई, ये भाई क्या हो रहा है ये भाई, मैं तो हर जगह कॉकरोच बने जा रहा हूँ भाई, भाई कसम से, और मॉडेड फुल्ली मॉडेड भाई, ब्रैबस भाई, टिफनी एंड को हाँ? ओ ये उनकी अपनी होगी भाई, देख रहे हो यार अलग ही चल रहा है भाई यहाँ, अलग ही, और सारी गाड़ियां देख लो तुम, कोई भी गाड़ी देख लो भाई, ये देखो क्या चल रहा है भाई, भाई क्या चल रहा है ये, मेरी आवाज बैठ चुकी है भाई, ये क्या भाई, हुरकान एसटी हो भाई, क्या चल रहा है ब्रो भाई, मेरे को नहीं भाई, ये लो भाई, भाई साहब ब्रो व्हाट इज गोइंग ऑन भाई, भाई सब छोड़ो ये लोग लेक्सस तो अपनी उसमें कर रहे हैं, टैक्सी में भगा रहे हैं इधर उधर भाई, मैं अपना लिटरली कैमरा 2 मिनट के लिए भी नीचे नहीं रख सकता, मेरे ख्याल से फोर्ड रैप्टर है, आई एम नॉट श्योर भाई, क्या लग रही है भाई, वो देख लो पीछे, डैम ब्रो थोड़ा सा सोचो, ये मिंट है ठीक है, ये मिंट कितने की पड़ी होगी हमें, ये मिंट पड़ी है 25 दिरहम, 25 दिरहम इंटू 22 कर लो मिंट का, और मेरा गला वैसे ही बैठा हुआ है भाई, अलग ही चल रहा है भाई, मेरे को तो लग रहा है नंगा होके आऊंगा वापस भाई, अलग ही सीन है दुबई का भाई, देख लो ऐसी नॉर्मल फरारी चल रही है भाई, चिल सीन्स एकदम यार, यार दोस्तों सोच रहा हूँ दुबई रह लूं भाई, सही है प्लस वन भाई, लेकिन जो भी बोलो ना ट्रैफिक तो दुबई में भी लगता है भाई, प्रॉपर ऐसा रुक रुक के चल रहे, लेकिन यार थोड़ा सा अलग भी लगता है दुबई यार, भाई बचपन में सोनाटा देखी थी और अब सीधे दुबई में भाई, हुंडई की सोनाटा चल रही है भाई, ये लो एक गाड़ी नहीं दिखी थी बोला था
वो भी दिख गई भाई सुपरा, वो भी साइकिल स्टैंड के साथ। लोग स्पॉइलर लगाते हैं, भाई ने साइकिल स्टैंड लगा दिया। भाई लोग जो बोले थे डॉज चैलेंजर भी दिख रही, वो भी देख रही भाई। भाई एक बार दिखाओ कितना तो मस्त लग रहा है भाई। यहाँ पे सारी बहुत नेक्स्ट लेवल है भाई। तीन चार मोटर वाली जेट स्कीज भी है। मेरी आवाज़ ठीक होती है ना भाई, ये वीडियो बस खराब ना हो आवाज़ की वजह से। होता है भाई क्या सीन है यार दुबई भाई, कार्स के लिए तो क्या मस्त भाई, चिल मार के चल रही है गाड़ियाँ सारी भाई। गोल्डन जीटी यार भाई, भाई गाड़ी धीरी कर दो भाई प्लीज भाई। अरे यार चलेगी, छुप गई यार। अरे सेकंड से रहेगी भाई, मेरी आवाज जा चुकी है, खत्म हो चुकी है भाई। गोल्डन जीटी आर थी वहाँ पे यार, पता नहीं मेरे को तुम्हें दिखी नहीं दिखी भाई, गोल्डन जीटी आर थी वहाँ। अरे भाई यार वो गाड़ियाँ नहीं लगी होती तो दोबारा दिख जाती यार भाई। मेरे को नहीं पता, ये मैं पता नहीं चौथी बार बोल रहा हूँ पांचवी बार बोल रहा हूँ, बट भाई दुबई अलग ही है यार। ये देखो भाई आगे हमारे बेंटली चल रही है, ठीक है एकदम भाई। क्या सीन चल रहे हैं मुझे नहीं पता जेन्युइनली भाई। तुम कहीं भी कुछ भी, मैं अब भी अगर अपना वो घुमा दूं ना कैमरा तो मैं कुछ ना कुछ गाड़ी दिख जाएगी तगड़ी। और हम लोग अभी तो उस रोड पे जहाँ पे गाड़ियों के शोरूम पे शोरूम है, समझ रहे हो ना। ये देखो तुम भाई, शोरूम ही शोरूम है इधर पे गाड़ियों के, सिर्फ और सिर्फ भाई। बहुत बहुत खतरनाक जगह है यार गोल्डन जीटी यार। ये लो भाई डॉज चैलेंजर, ये लो भाई, ये लो भाई। यहाँ अलग ही है यार, यहाँ बहुत है पता है, इंडिया में नहीं है वो ऑडी आर एट भाई। चलिए पीछे भाई, इधर लिटरली लेफ्ट राइट अगर मैं घुमा, अरे ले भाई ये देख रहे हो तुम, ऐसे ही खड़ी करके छोड़ के गए भाई गाड़ियाँ भाई। 370 जी मस्टैंग ऐसे कुछ भी चल रहा है भाई इधर भाई। मैं लेजिट ऐसे रख सकता हूँ कैमरा, ठीक है मैं ऐसे रख सकता हूँ कैमरा और तुम्हें गाड़ियों पर गाड़ियाँ दिखा सकता हूँ। और ये मैं दिन भर कर सकता हूँ भाई, ये भी बता दूं मैं। अगर ये व्लॉग लंबा हो रहा है तो ये व्लॉग सिर्फ इसी वजह से लंबा हो रहा है भाई। भाई कैमरी तो लोग यहाँ पर टैक्सी में चला रहे हैं, तुम समझ रहे हो। इंडिया में 55 लाख की गाड़ी है भाई। मैं लिटरली यही कर सकता हूँ दुबई आके, दिन भर बस इस जगह पे घूम सकता हूँ। आई गेस ये टेस्ला का वो है शोरूम है, यहाँ बाहर टेस्ला ही टेस्ला खड़ी है। देखो भाई एक मॉडल एस दिख जाता तो मजे आ जाते यार। ब्रो दुबई का सीन दिखाऊं, हम लोग अभी बर्गर किंग में थे, बर्गर किंग के बाहर G63 और लैम्बोर्गिनी हुरकान, ओनली इन दुबई गाइस, ओनली इन दुबई। ब्रो जैगुआर एफ टाइप भी खड़ी हुई है यहाँ पे वॉश के लिए। आई गेस यहाँ पे मैनुअल वॉश है, अपने हाथ से वॉश करते हो आप अपनी गाड़ी को लगा के। क्या कार है ब्रो ये, क्या लगती है यार, मजा आ जाता है भाई। ये लो गाइस ला 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 डॉज वाइपर, देख लो सारे क्या लगती है यार ये कार, माय गॉड मजा आ जाता है यार। ये लो भाई उरुस, उरुस के पीछे पोर्श, केमैन और क्या क्या भाई। मैं लिटरली कैमरे को आगे करूँ ना, ये लो भाई मैं बता रहा हूँ यार तुम्हें, कुछ नहीं है भाई। मैं ऐसे कैमरा छोड़ सकता हूँ और तुम्हें ऐसी ऐसी गाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी ना, क्रेजी यार। यार दुबई गाड़ियों वाले के लिए तो भाई क्या बोले यार, ड्रीम प्लेस टाइप नहीं होती वो है यार भाई। ये देखो भाई ये है Corvette C8। एक्चुअली एक मिनट रुको भाई, हेलो कुछ है क्या यहाँ भाई, हर कलर की कॉर्वेट है इधर ब्रो। कुछ तो क्रेजी हो रहा है इधर पे भाई, लेजिट सारी C8 नहीं है बट सारी कॉर्वेट से ना लाइन है भाई। ये भाई कितनी पुरानी होगी, डैम ब्रो ये देखो यार, व्हाट क्या चल रहा है ब्रो, भाई क्या हो रहा है इधर भाई, सारी कॉर्वेट से ना लाइन लाइक यहाँ तक का। अगर गिनने पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 इन अ रो यार। पता नहीं यार, मैं आई एम नॉट अ बिग ट्रैवलर, मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे को ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट आई एम इन लव विद दुबई भाई। गाड़ियों के लिए तो आई एम इन लव विद दुबई भाई, वो मजाक नहीं करूँगा। इसको देखो ना तुम ब्रो, मेरी आवाज़ अगर सही होती ना मैं तुम्हें चिल्ला के बताता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर का जो बच्चा है ना वो मैं बता नहीं सकता कितना खुश है अभी। ब्रो ये क्या खूबसूरत गाड़ी है यार, ये है 992 911 GT3 और ये क्या खूबसूरत भाई यार, ये क्या खूबसूरत गाड़ियाँ हैं भाई, मैं मजाक नहीं करूँगा। लाइक GT3 तो GT3 है ब्रो, बट ये क्या यार, मैं मजाक नहीं करूँगा भाई। मेरा बस चला ना, मैं तो दुबई रह लूँ भाई सिर्फ और सिर्फ कार्स के लिए। तुम्हें पता है मेरे को कार्स कितनी ज़्यादा पसंद है, आई जस्ट
आई जस्ट लव कार्स ब्रो, मेरे को रोना आ जाता है, मतलब मैं मजाक नहीं करूँगा सोच के भी। और यहाँ पर लिटरली हाफ रेट है भाई, हाफ रेट से भी थोड़ा कम है कुछ चीज़ों का तो, लाइक लेजेंड ब्रो, फॉर्चुनर ऑर्जिनर तो तुम सच्ची में बताऊंगा कितनी चीप मिलती है, तुम पागल हो जाओगे। बट जस्ट लुक एट दीज कार्स ब्रो, क्या मतलब भाई यार, क्या खूबसूरत लग रही है भाई, मजाक से हट के ब्रो। मेरा ना अब और तेज हो गया है, मैं थोड़ा सा आगे चल के आया हूँ इसमें, मेरी गला पूरा खत्म हो चुका है। दिखाऊं क्या है मेरे आंखों के सामने, ब्रो इट्स अ GTR ब्रो, ब्रदर ये पूरे दुबई में पहली बार वी हैव सीन GTR ब्रो। ब्रो मैं मजाक नहीं करूंगा, यहाँ जितने भी लोग हैं पार्किंग में वो मेरे को देख के अजीब सा मुंह बना रहे हैं, उनको लग रहा होगा अभी ये क्या है भाई गंदगी में भाई। बट वन डे गाइस, वन डे, एक दिन ले लेगा तुम्हारा भाई, ठीक है ना, एक दिन ले लेगा तुम्हारा भाई। ये कलर देख रहे हो तुम, ग्रीन, डार्क ग्रीन टाइप, क्या क्या लगती है यार GTR ब्रो, व्हाट द हेक भाई। मेरे को ना रोना जैसा आ जाता है जब भी मैं GTR देखता हूँ, जेनुअनली रोना जैसा आ जाता है। और अभी तो आवाज़ भी नहीं आ रही हो, तुम लोगों को सच्चे में लग रहा होगा कि मैं खो रहा हूँ। आई डोंट नो ब्रो क्या होता है भाई, कोई इतनी मटेरियलिस्टिक चीज़ से कैसे इतना हो सकता है, मेरे को पता है बहुत अजीब सा सुनने में लगता है। बट ब्रो GTR भाई तुम समझ रहे हो ना यार, सबका अपना अपना प्यार होता है यार एक। और ये लो भाई, भाई ओपन पार्किंग है ये, लोगों ने ऐसी खड़ी कर रखी ये, यहाँ पे देखो कॉर्वेट भाई, आई गेस कॉर्वेट ही है ना, कॉर्वेट ही है भाई। दुबई शिफ्ट हो जाऊँ एटलीस्ट पार्किंग में घूम घूम के कार्स ही देखते रहूँगा। बट मुझे लग रहा है, फील हो रहा है कि इट्स टाइम टू शिफ्ट दुबई गाइस। भाई मेरा जेन्युइनली इस पार्किंग लॉट से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस GTR ब्रो। I have no words but एक दिन ब्रो, एक दिन भाई। ये अभी भी खड़ी है भाई, हाय भाई, इसके लिए मैं दिन रात एक करने के लिए तैयार हूँ भाई। तोड़ दो भाई मुझे, तुम समझ रहे हो, काम करवा लो, जितना रगड़वाना है जो करना है कर लो भाई, ये लेके रहूँगा एक दिन। ये लो भाई एक डॉज चैलेंजर भी आ चुकी है यहाँ पे। भाई जितने भी कार लवर्स है ना, तुम लोग चिल मारो यार, तुम लोग लिटरली कहीं भी जाके बैठ जाओ और आराम करो, तुम्हें सुपर कार्स की सुपर कार आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। आई थिंक ये सीज़न भी है इसकी वैसे भी है, और मैं तो यहीं बैठे रहूँगा भाई, जब तक जा सक जब तक रुक सकता हूँ मैं तब तक रुकूँगा, और ये GTR को देखते रहूँगा बस, मैं बस इसको निहारता ही रहूँगा भाई।